अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाती हूँ अरबी, और किस तरह बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल आसान रेसिपी है जो कि हम रोज़ की रूटीन में हमेशा मतलब बनाते हैं। ठीक है, मैंने कढ़ाई ली है। अब इसमें डालूँगी मैं ऑयल, ये देखें हमेशा की तरह अभी भी कम डालूँगी। घर में हर कोई बनाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको एक ये तरीका बताती हूँ कि अरबी में होता है लेस, जिसकी वजह से जो है ना अरबी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं जिस तरह बनाऊँगी मैं आपको बताऊँगी इस तरह जो है लेस नहीं होगी। सही। और मैं ये डालती हूँ प्याज पहले, ज़रा जल्दी से ये करती हूँ। मैंने आपको बताया है कि मेरा छोटा बेटा जो है मौलिया, वो उसकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी मुझे जल्दी होती है। ये देखें प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाए। ये देखें प्याज हो गई है गोल्डन। अब मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज, वो सॉरी टमाटर और लहसुन। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया मैं हमेशा कद्दूकस करके डालती हूँ, पीस के नहीं डालती। मैं हरी मिर्च इसलिए नहीं डालती, बच्चों की वजह से बच्चे जो हैं हरी मिर्च नहीं खाते हैं, बोलते हैं ज़्यादा मतलब मसाले में कम डालती हूँ, ज़्यादा मसाले वाले जो है ना ये बहुत नखरे करते हैं। टमाटर थोड़े से मिक्स हो जाए फिर मैं आपको मसाले डाल के दिखाती हूँ। ये देखें टमाटर हो गए थोड़े से मिक्स। अब मैं डालती हूँ इसमें हल्दी और पिसी हुई मिर्च। मैं डालती हूँ हल्दी, ये देखें थोड़ी सी डालती हूँ, चुटकी बराबर डालती हूँ, एक चुटकी होती है ना उसका खाई चम्मच समझ लें। और किसी भी लाल मिर्च डाल दिया। अच्छा ये डाल दिया नमक, नहीं ये देखें डाल दिए नमक हल्दी और किसी भी मिर्च। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, ये देखें थोड़ा सा पानी डालें, मिक्स करके उसके बाद में डाल। ये देखें टमाटर गल गए बिल्कुल। जब भी कुछ भी बनाए ना टमाटर, इनको अच्छी तरीके से जो है ना गला लिया करें, ज़्यादा कच्चे टमाटर जो सादा मुंह में आए ना अच्छे नहीं लगते। ये मसाला बन गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी अरबी। अरबी में ये है कि इसको जितना हम चलाएँगे बार बार खोल खोल के चलाएँगे तो उसमें लेसपन होगा, अरबी बिल्कुल सही नहीं लगेगी, अलग अलग नहीं लगेगी। हम इसको जो है मसाले को मिक्स करके उसके बाद जो है इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट की हल्की आंच पे इसको ढक दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं चम्मच चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं। भिंडी को भी इसी तरह ही बनाते हैं, भिंडी भी मैं आपको बना के दिखाऊँगी, और देखिएगा इसमें लेस बिल्कुल भी नहीं होगा बिल्कुल। ये अरबी जो है आपको बिल्कुल गली भी और बिल्कुल तरम सी लगेगी और लेस नहीं होगा। अभी मैं इसको ढक लेती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये देखें 15 मिनट हो गए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ चला के। ये देखें आपको लेस कहीं नज़र आ रही है, ये देखें इसकी चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको एक दफ़ा चला के हल्की आंच पे फिर छोड़ देंगे ताकि ये गल जाए। अब सही है, इसको फिर मैं ढक देती हूँ, बस आप इसको गलाना है, फिर थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में मैंने चढ़ा दिया तवा, अब मैं बनाऊँगी रोटी साथ साथ, जब तक सालन बन रहा है जब तक फिर मैं रोटी बनाऊँगी। ये देखें मेरी अरबी तैयार हो गई है, तेल बिल्कुल निकल गया है। ये देखें कहीं से आपको टेस्ट नज़र आ रहा है, ये देखें।